नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो दोस्तों वेन डायग्राम का कुछ यहाँ पे मैं डायग्राम बनाया हूँ। दोस्तों इससे और कोई भी डायग्राम क्वेश्चन नहीं बना सकता। इसमें जितना भी क्वेश्चन बनता है बुक का पूरा निचोड़ मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। पाँच छः ठो डायग्राम बनाया हूँ दोस्तों। इसी के अंदर पूरा डायग्राम हम लोग का मतलब पूरा वेन आरेख बनने वाला है। इसमें दोस्तों इसका अगर क्वेश्चन बनता तो सबसे पहले लिखा रहता भारत, इसके बाद लिखा रहता छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीस के गढ़ के बाद लिखा रहता रायपुर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा भारत, भारत के अंदर क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हो जाएगा रायपुर। तो ये सही होता है एकदम, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन में मतलब भारत, पूरे भारत के अंदर क्या है रायपुर, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है रायपुर शहर है, ठीक है। इसके लिए ऐसा हो गया, ठीक है। ये सभी के लिए एक एक क्वेश्चन मैं दोस्तों यहाँ पर बताऊंगा। और इस यहाँ पर एक ये है, यहाँ पे दो गोला है, इसके अंदर में ये है, इसके बाद ये तीनों गोला बाहर में है, यहाँ पर कुछ कुछ अंदर है, कुछ कुछ बाहर है, यहाँ पर दो ठो अंदर है, एक ठो बाहर है, यहाँ पे दो अंदर है, लेकिन ये दूसरे दोनों मिले हुए हैं। तो दोस्तों ये सभी का क्वेश्चन मैं आप लोग को एक एक करके बताते जाता हूँ। यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन लिखा हूँ, देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा शायद, यहाँ लिखा हूँ पहला क्वेश्चन है सब्जी, इसके बाद है आलू, आलू के बाद पत्ता गोभी। इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बोला सब्जी है, इसके बाद क्या है आलू है, और फिर पत्ता गोभी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा उसके लिए चित्र अच्छा हो रहा है, ये वाला है ए नंबर, ये है बी नंबर, ये है सी नंबर, और ये डी नंबर, और ये ई नंबर, और ये एफ नंबर। तो इसमें से ये सभी ऑप्शन हैं आपके लिए, कौन सा आंसर होगा फटाफट से बताइए। मैं बोला सब्जी, आलू और गोभी, पत्ता गोभी, ठीक है। तो एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हम लोग यहाँ चित्र बनाते हैं, तो फिर इसमें मिला लेंगे। क्या होता है वो दोनों जो हैं आलू और पत्ता गोभी जो हैं वो सब्जी ही है। आलू और पत्ता गोभी क्या है सब्जी हैं। तो सब्जी को मैं बड़ा बना देता हूँ, और आलू बना देता हूँ, और पत्ता गोभी बना देता हूँ। ये दोनों क्या है सब्जी ही हैं। सब्जी के अंदर क्या होता है पत्ता गोभी और आलू हो जाता है। मान लीजिए कि ये क्या हो गया गोभी हो गया, ये गोभी है, तो ये क्या है पत्ता, ये क्या है आलू है, आलू है, ठीक है। और ये क्या है पूरे सब्जी हैं, सब्जी हैं, ठीक है। ऐसा तो हम लोग का सही कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग हल करते हैं इसको। दूसरा नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूं दोस्तों। दूसरा नंबर में है सप्ताह, दिन और वर्ष, ठीक है। यहां अगर मैं लिख दूं सप्ताह, दिन और वर्ष, ठीक है, क्या क्या सप्ताह, सप्ताह दिन वर्ष, सप्ताह दिन और वर्ष। अगला क्वेश्चन है सप्ताह दिन और वर्ष डायग्राम यही रहेगा, इसी से सब बनने वाले हैं। जितने भी वेन आरेख में क्वेश्चन बनता है इसी डायग्राम से ही बस बनता है, ठीक है। मैं क्या बोला सप्ताह है, फिर दिन है, फिर वर्ष है। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा होगा, ए बी सी डी ई ई ई और एफ। सप्ताह, दिन और वर्ष, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूँ इसका डायग्राम। यहाँ पे क्या होगा वर्ष होगा सबसे बड़ा, ठीक है, वर्ष क्या होगा सबसे बड़ा होगा, उसके अंदर क्या होता है सप्ताह होते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है उसके अंदर दिन होता है, ठीक है। क्या होता है सबसे पहले उसका वर्ष होता है, वर्ष के बाद क्या होता है उसका सप्ताह होता है, सप्ताह के बाद क्या होता है दिन होता है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। सबसे पहले क्या होता है वर्ष होता है,
सबसे पहले वर्ष होता है, इसके बाद उसके अंदर सप्ताह होता है, सप्ताह के बाद दिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, जज, जज जज के बाद क्या हो जाएगा, चोर, चोर के बाद अपराधी। ठीक है, यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन, जज फिर चोर फिर अपराधी, अपराधी, ये है क्वेश्चन। जज, चोर, फिर अपराधी, इसमें से कौन सा डायग्राम सही होगा, ए बी सी डी ई की एफ। पहला नंबर जज है, फिर चोर है, फिर अपराधी है। ठीक है, पहला नंबर जज है, फिर चोर है, फिर अपराधी है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैं जज बना दिया, ये क्या है, जज है, जज है। ठीक है, उसके बगल में हम लोग बना देते हैं चोर, ये क्या है, चोर है। ठीक है, चोर है, फिर चोर जो है चोरी किया है तो क्या होगा, अपराधी भी होगा, अपराधी, अपराधी होगा। तो दोस्तों ये ऐसा कुछ बन जाएगा इसका डायग्राम, जज जो होगा वो अलग होगा, बाहर में होगा, जज को अलग बनाएंगे क्योंकि वो जज है, बैठ के क्या न्याय कर रहा है। तो दोस्तों अब कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि सर कभी कभी जज भी गलत कर देता है, जज भी कभी गलती से, ठीक है, अपने घर में बाहर में कहीं भी वो भी अपराध कर बैठता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं, हम लोग का क्वेश्चन मतलब जज बोल रहा है तो जज बैठा हुआ है वहाँ पे, जज करने के लिए, जजमेंट करने के लिए बैठा हुआ है, ऐसा समझना है उसको, खुद से नहीं जोड़ना है कि सर वो भी तो अपराध कर सकता है कभी। ठीक है, तो जज अलग होगा, चोर और अपराधी ऐसे होंगे, मतलब इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा हम लोग को, एक ठो अलग, ये हो जाएगा ई नंबर। ठीक है, ई नंबर मतलब ये हो गया चोर, ये क्या हो गया, अपराधी, और ये बाहर में अपना खुद स्वतंत्र हो जाएगा, अलग क्या हो जाएगा, जज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ, पति पत्नी और परिवार, पति पत्नी और परिवार डायग्राम में ही रहेगा, पति पत्नी परिवार, पति पत्नी और परिवार कौन सा होगा, ए बी सी डी ई की एफ, पति पत्नी और परिवार का डायग्राम कौन सा सही होगा। तो दोस्तों हम लोग इसमें बना सकते हैं कि पति और पत्नी, परिवार एक ठो बड़ा बना सकते हैं, परिवार के अंदर पति और पत्नी होते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं हम लोग, पति और पत्नी, इसका कुछ ऐसे बन सकता है, देखिए ये क्या हो गया, परिवार हो गया, सबसे बड़ा हो गया परिवार, परिवार के अंदर ही होते हैं पति और पत्नी। ठीक है, ये क्या है, परिवार, परिवार है, ये है पति और ये क्या है, पत्नी, पत्नी। ठीक है, पति पत्नी परिवार के अंदर ही होते हैं, इसमें अब कुछ भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, उसके मम्मी पापा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, परिवार के अंदर ही सब होते हैं। तो यहाँ पर बोला है पति पत्नी बोला है, तो बस पति पत्नी को बना दिए, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, बी नंबर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा पति, हो जाएगा पत्नी, और उसके अंदर ये सभी के अंदर क्या होते हैं, परिवार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, हाथी भेड़िए और पशु, हाथी भेड़िए पशु, हाथी भेड़िए, भेड़िए, भेड़िए और पशु, हाथी भेड़िए और पशु, इसमें से कौन सा डायग्राम सही होगा, हाथी भेड़िए और पशु, बताइए, हाथी भेड़िए और पशु। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हाथी और भेड़िए, हाथी और भेड़िए क्या हैं, पशु हैं, तो हम लोग बना सकते हैं कि ये क्या है, पशु है और उसके अंदर हाथी है और भेड़िया है, कौन सा ये है, हाथी है और ये क्या है, भेड़िया है और ये क्या है, पशु है।
ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है, पशु ही हैं, हाथी हो या फिर भेड़िया हो, ये क्या है, पशु ही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे ख्याल से बी नंबर, हाथी भेड़िया और पशु का आंसर हो जाएगा बी नंबर, एकदम सही आंसर बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्तनधारी गाय और कौवा, स्तनधारी गाय और कौवा, स्तनधारी गाय और कौवा, स्तनधारी गाय, स्तनधारी गाय और कौवा, स्तनधारी गाय और कौवा, चलिए बताइए। देखिए गाय जो होते हैं, गाय जो होते हैं वह स्तनधारी होते हैं और कौवा अलग चीज होता है। ठीक है, गाय जो होता है मान लीजिए कि ये क्या है, स्तनधारी है, स्तनधारी के अंदर क्या आता है, गाय भी आता है, लेकिन गाय के अलावा भैंस बकरी सभी स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी मतलब जो दूध पिलाते हैं उन लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गाय हो गया और ये क्या हो गया, स्तनधारी हो गया, लेकिन कौवा अपने में अलग है तो कौवा को बाहर बना देंगे। स्तनधारी के अंदर ही गाय आता है, गाय के अंदर कौवा आता है, मतलब हम लोग का ई नंबर सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, ये हो जाएगा स्तनधारी और ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा कौवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूं। औरत माँ और विधवा, औरत माँ और विधवा, यहां लिखता हूं क्या, औरत, औरत माँ और विधवा, औरत माँ और विधवा, कौन सा डायग्राम सही होगा बताइए, औरत माँ और विधवा। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ, सभी और जितने भी विधवा होंगे, जितने भी विधवा होंगे इस दुनिया के अंदर वो सभी औरत ही होंगे, कोई लड़का तो विधवा होगा नहीं। ठीक है, वो सभी औरत ही होंगे, जितने भी माँ होंगे वो सभी क्या होंगे, औरत ही होंगे। तो औरत का मैं सबसे बड़ा बना देता हूँ यहाँ पे, औरत का ये हो गया औरत का, लेकिन कुछ औरत जो है माँ हो सकते हैं और कुछ विधवा जो है, कुछ विधवा जो है माँ भी हो सकते हैं, मतलब इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, देखिए सभी तो औरत हैं, ये मान लीजिए कि माँ है, माँ है, ठीक है, और ये क्या है, विधवा है, विधवा है, लेकिन सभी तो क्या है, औरत ही है ना, ये सभी क्या है, औरत ही हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ माँ ऐसे हैं जो कि विधवा भी हैं और कुछ माँ ऐसे हैं जो कि केवल माँ हैं, विधवा नहीं है, मतलब इतना के अंदर जितने भी माँ हैं, इस डायग्राम के अंदर जितने भी माँ हैं उन लोग केवल माँ हैं लेकिन विधवा नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ बनाया हूँ तो इसके अंदर जितना भी आएगा वो विधवा है और माँ भी है और औरत भी है, तीनों चीज है यहाँ पे जो जो पड़ा है। और यहाँ पे जितना भी है इसके अंदर, यहाँ पे जितना भी है ये सभी, ये सभी केवल माँ विधवा है, इनका कोई बच्चा नहीं है, मतलब ये माँ नहीं है, केवल विधवा है लेकिन औरत है। ठीक है, तो ये सही होगा, मतलब एफ नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये वेन डायग्राम समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।